मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन किया गया। रायसेन में भी इसका सफल ट्रायल किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री और उनकी टीम उपस्थित रही, जहां टीम ने कोरोना नियमों के प्रोटोकॉल के तहत पालन किया। वहीं कोविड सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगाने की रिहर्सल की गई। हमने पूरी तैयारी कर ली। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम कोरोना के विरुद्ध युद्ध में हम ड्राई रन करने जा रहे हैं। हमारे पास आज 27 रजिस्ट्रेशन है और उसमें से बारी बारी से लोगों का इंतजार है। ये देख रहे हैं आपकी एक एक करके व्यक्ति आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करा रहे हैं। वेरीफाई कराने के बाद हमारे पास एक ये रूम है, उसमें अपने बैठेंगे और वहाँ पे अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उसके बाद वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। वैक्सीनेशन कराने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा हम रखेंगे। हमारे शासकीय और अशासकीय जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनमें 4731 लोगों की सूचीबद्ध किया है। 225 हमारे वैक्सीनेटर लगेंगे। 22 जगह हमने अपने फोकल पॉइंट और अपने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं जहाँ पर वैक्सीन है।